अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं निकल चुका हूँ उमरा करने के लिए, और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र होने वाला। इस सफ़र का नाम उमरा, और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत घरों में एक घर है, जिस घर का नाम है काबा। इस काबा घर को मैं तवाफ करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आप सभी के साथ इस तवाफ के दौरान जो कुछ मुझे जानकारी मिले, इस सब जानकारी मैं आपको आसान तरीक़ा से शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिले। तो ट्रेन यहाँ हमारा गया है, और इस वक्त मैं गाड़ी पर बैठ गया, और इस तरफ मेरे कुछ दोस्त लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सभी से मैं परिचय कराऊंगा थोड़े बाद में। अभी हम लोग गाड़ी स्टार्ट किया, और उसके बाद देखता हूँ सबसे परिचय कराऊंगा। और इस तरफ भी है कुछ दोस्त है, हम लोग चार बंदा मिलकर एक ही साथ में जा रहा हूँ, और सफ़र बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और उसके साथ बहुत आपको जानकारी भी मिल जाएगा इस सफ़र में। तो इस वक्त हम लोग जुबेल सिटी में है, और यहाँ से तकरीबन 1340 किलोमीटर दूरी है, और 13 घंटा 10 मिनट का रास्ता दूरी है। और ये हमने जुबेल सिटी से जहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से हमने उमरा की कपड़ा लिया, और ये देख सकते हो एहराम का जो कपड़ा होता है सफ़ेद, वो बिना सिलाई किया हुआ कपड़ा है। तो ये हमने लिया, और हम लोग चार दोस्त है, सभी से अभी परिचय कराऊंगा। इस तरफ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सकीर। सकीर, सकीर इंडिया केरला। इंडिया केरला से। और इस तरफ मेरा भाई एक, आपका नाम? शाहुल। शाहुल, आप किधर से? तीनों सेम जगह है। सेम जगह यानी केरला, साउथ, साउथ इंडिया। गांव भी ठीक है। साउथ, साउथ से। और मैं नॉर्थ ईस्ट आसाम से, और इंडिया। और इस तरफ भाई, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना। मुन्ना भाई, उनका नाम मुन्ना है। तो तीनों भाई के साथ मेरा सफ़र होगा, इंशाल्लाह मेरा सफ़र बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो भाई साहब, इस वक्त हमने एक पेट्रोल पंप पर रुका, और यहाँ से हमने गाड़ी पर पेट्रोल डाला, और मैंने देखा यहाँ का पेट्रोल का जो क्वालिटी है, दो क्वालिटी का रहता है, एक 91 और एक 95 का। और मैंने देखा इस सफ़र के दौरान मुझे एक जानकारी मिली है, जितना भी पेट्रोल पंप है इस पर एक छोटा सा मस्जिद मिलता है, और इसके अलावा आपको मिल जाएगा जैसे कॉफ़ी शॉप, और एक बकाला जिसको स्टोर बोला जाता है, दुकान, एक दुकान भी आपको दिखने को मिल जाएगा। और मैंने वही चीज़ मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप पर देखा सफ़र के द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी सफ़र कर रहे हो, आप नमाज भी अदा कर सकते हो सफ़र के दौरान, और ये सब है। और हमने फुल टैंकी किया, कितना लगा फुल टैंकी में? 117 रियाल, यानी 117 रियाल, 117 रियाल में हमारा जो इनोवा कार का फुल टैंकी हो गया 117 रियाल। और इंडियन प्राइस से अब अगर उसको कन्वर्ट करूँगा मैं, तकरीबन 1 रियाल से तकरीबन 20 रियाल का 20 रुपये का आसपास होता है, जैसे 100 में 2000 होता है, तो ऐसे समझ लो आप, उसको आप भी हिसाब कर लो कितना होता है। बड़े ही रहने से काम होगा। ऐसे में मैंने नॉर्मली देखा सफ़र के दौरान रास्ता पे, चारों तरफ जब सिटी आप क्रॉस कर ले तो उसी दौरान आपको दिखाई देगा कि जिधर भी ताको आपको रेत दिखाई देगा, जिसको बालू बोला जाता है नॉर्मली हमारी भाषा में, जो हम लोग बोलते हो बालू बोलते हैं। तो चारों तरफ जैसे इस तरफ देखते हो रेत है, रेत दिखाई दे रहा है, बहुत सारे रेत है, और चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है, कोई घर अगर वगैरह बहुत कम ही दिखाई देता है। और अभी इस वक्त हम लोग आ चुका हो दम्मम एयरपोर्ट, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरफ अगर आपको दिखाऊंगा तो मैं देख पाओगे, शायद दिखाई दे रहा होगा छोटा सा वो फ्लाइट दिखाई देगा आपको इस तरफ से, आप देख पाओगे तुरा दिखाई देगा आपको फ्लाइट इस तरफ है, और पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो मेरा जिस तरफ मैंने कैमरा किया उस तरफ इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये देख सकते हो दम्मम बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही आ चुका हूँ, तकरीबन 98 किलोमीटर तो दूरी हम लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हो, और ये देख सकते हो ये एरिया है, ये दम्मम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देख सकते हो बरूटा, और ये देख सकते हो अराइवल 1 2 3 अलग अलग है, ये देख सकते हो।
और ये रहा तमाम फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिलहाल मैं गाड़ी का अंदर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और हम लोग इधर नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि हमारा सफ़र है और हम लोग सफ़र में जा रहे हैं, तो इसके कारण कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। पिछले मैं जब मेरा दोस्त को छोड़ रहा था उसी दौरान मैं एक वीडियोस बनाया था दमम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और इस तरफ देख सकते हो कुछ लोग इंडिया से शायद पाकिस्तान बांग्लादेश किधर किधर से आके उतर रहे हैं और अपना अपना मंजिल तक पहुँचने के लिए उधर रुका है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ का, दमम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये छोटा छोटा जो पेड़ देख रहे हो ये खजूर का है, सब खजूर का पेड़ है और रोड में लगा है, रोड का बीच में जो लगा हुआ है देख सकते हो, ये जाने का रोड है और इस तरफ दूसरा तरफ आने के लिए इसी बीच में खजूर का पेड़ लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। तो भाई साहब अभी एक पेट्रोल पंप पर हमने रुका और अभी टाइम भी हो गया इफ्तार की, तकरीबन 20 मिनट बाकी है और इसी दौरान सफ़र में रास्ता पे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल पंप पर आपको होटल भी मिलेगा और स्टोर भी दुकान भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पार करता हूँ, उसके बाद एक होटल का अंदर जाता हूँ कुछ इफ्तारी के लिए। अभी तो रमज़ान महीना चल रहा है, जिस वक्त मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो यहाँ से कुछ इफ्तार के लिए सामान लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या लेता हूँ हम लोग, तो उतरता हूँ यहाँ पर। तो भाई साहब एक स्टोर का अंदर आ गया और सब देख सकते हो, यहाँ से पानी वानी लूँगा और देखता हूँ क्या लिया जाता है। और इस देख सकते हो ये स्टोर बहुत बड़ा है, इधर क्या है और इसका प्राइस है 23 रियाल है खजूर है। और इस तरफ देख सकते हो मुद्दा भाई और शाहुल भाई दोनों ने तो पन्नी लिया जिसको किस बोला जाता है, तो अभी मैं किस लिया और इसमें से कुछ हासिल है पानी अगर वगैरह ये सब चीज यानी इफ्तारी के लिए, और देखता हूँ कैसा होता है सफर, जबरदस्ती होगा सफर। हमने एक जगह पर गाड़ी पार्किंग किया और शायद 3 मिनट के हमारे हाथ में इफ्तार करने का। और ये दमम से रियाद रोड है, जो रियाद जाने का जो रोड है इस रोड पर, और हम लोग खड़ा हो और यहाँ पर इफ्तार करूँगा और इफ्तार करने के बाद यानी 10-15 मिनट तक देखूँगा, उसके बाद फिर सफर में निकाल जाऊँगा। अभी रुझा खोलने का हमारा वक्त हो गया और इस तरफ खाजूर है, ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं लिया नहीं हमने, और ये मिल के मैंने मुझे सबसे पसंद है मिल के, और ये पानी है और इस तरफ पैसा खजूर खाजूरी अभी रात का 10:30 हो गया और हम लोग आके रियाद पहुंच चुका हूँ और इस तरफ एक माता में, माता मतलब होटल है, इस होटल में जाके बहुत भूख लगा तो हमने सोचा कुछ खा लूँ, तो होटल में जाके देखता हूँ क्या मिलता है और उसके बाद खा लेता हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगा। तो उसके बाद कुछ देखा था इस होटल का नज़ारा, तो ये रहा होटल है और इसका अंदर जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा भूख लगा यार, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, तो आज का होटल का अंदर और क्या ऑर्डर कर रहा है देख सकते हो खाना, ये होटल का अंदर का नजारा है और इस तरफ हम लोग बैठो आराम से खा रहे।
का बाद अभी टाइम हो रहा है 1:43 पर, 43 मिनट हो रहा है। और क्या बताऊँ भाई साहब आपको, तो चाय लिया था 2 रियल का, तकरीबन 3 रियल मेरा चाय दो नहीं है, ये हलीफ चाय यानी दूध का जो चाय है ये 3 रियल का, तो इसका अंदर चीनी नहीं डाला। बाद में बोला यार चीनी तो डाल दो यार, तो चीनी डाला फिर से। तो अभी थोड़ा कैसा लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट लग रहा है। हम लोग आया मस्जिदुल मिका ताहिब पर, और इस तरफ देख सकते हो मस्जिदुल मिका का एक गुम्बज है, और इस तरफ मस्जिद है। और इस मस्जिद पर आने के बाद हम लोग अभी नहाऊंगा, उसका बाद जो उम्र का एहराम होगा वो कपड़ा पहनूंगा, उसका बाद दूर का नफल नमाज अदा करूंगा, उसका बाद फिर मक्का की तरफ रवाना हो जाऊंगा। और ये मस्जिदुल मिका के कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हो इस तरफ एक मस्जिद का गुम्बज है, और इस तरफ देख सकते हो। और ये ताइफ जो सिटी है मैंने देखा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। और इस तरफ देख सकते हो नहाने के लिए टॉयलेट है, और नहाने के लिए जो वॉशरूम है इधर है देख सकते हो। और हम लोग अभी जाऊंगा नहा के इस जगह पर, और उसके बाद जब मस्जिदुल मिका पे आप आओगे तो इस तरह से आपको बाथरूम मिलेगा नहाने का, और इसके बाद नहा के आप इस तरह से आराम से कपड़ा पहनोगे, और आराम पहनोगे, और उसके बाद अभी हमने आराम बांध लिया, और अभी जा रहा हूँ दो रकात नफल नमाज अदा करने के लिए। और जब भी आराम बांध लोगे उसके बाद आप पढ़ोगे अल्लाहुम्मा उम्रताना, ये दुआ पढ़ना है, और उसके बाद दूरे का नफल नमाज अदा करना है। और अभी जा रहा हूँ अंदर, और देखता हूँ अंदर जाके दूरे का नफल नमाज अदा करता हूँ। देख सकता हूँ मस्जिद का एक इस तरफ, ये मस्जिद में अंदर जाने के लिए दाखिल होने का रास्ता है इस तरफ देख सकते हो। ये रहा मस्जिदुल मिका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप इस तरह से एहराम का कपड़ा पहनोगे तो छह चीजों की आप पाबंदी हो जाओगे। पहले आप बाल नहीं काट सकते हो, उसके बाद आप नखून नहीं काट सकते हो, तीसरी कंघी से आप बाल वो नहीं कर सकते हो, चौथा आप औरत लोगों के लिए वो मेकअप नहीं पहन सकते हो, और चौथा पांच नंबर आप शिकार नहीं कर सकते हो, छः नंबर में आप खुशबू नहीं लगा सकते हो। कोई चीज़ छः चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ छः चीज़, और ज़्यादातर आप कुछ इस तरह से आपको तालबिया पढ़ना पड़ेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लकल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक।